गत दिनों राजवांगपुर और कुतरा ब्लॉक के विभिन्न स्थानों पर पिस्तौल की नोक पर हुई लूटपाट की घटनाओं की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में लिप्त तीन लुटेरों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान कर दिया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से नगद 48,700 रुपए, बिना मैगजीन के 2 देशी पिस्तौल, 2 मास्क, 1 बैग, 3 मोबाइल और बिना नंबर की 3 मोटरसाइकिल जब्त किया है। सोमवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजगांगपुर SDPO अभिषेक पानीग्रही ने बताया कि गत 15 अक्टूबर को ये गैंग राजगांगपुर IT कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर के पास स्थानीय शराब दुकान में कर्मचारी से पिस्तौल की नोक पर 1.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए थे। उसके बाद इन लुटेरों ने 16 अक्टूबर को कुतरा मार्केट कॉम्प्लेक्स स्थित ग्राहक सेवा केंद्र के मालिक लिटी बेड़ा निवासी भीमचरण मिंज के घर लौटने के क्रम में आंखों में मिर्च पाउडर झोंक कर लूटने का प्रयास किया था और भीमचरण मिंज के विरोध करने पर पैर में गोली मारकर नकद 10,000 और एक कैमरा लूट कर मौके से फरार हो गए थे। वहीं 18 अक्टूबर को के ब्लॉक में हुई बड़ी डकैती में भी ये लिप्त थे। 1 नवंबर को कुतरा थाना अंतर्गत पुरकापाली स्थित SBI ग्राहक सेवा केंद्र से पिस्तौल की नोक पर 2,10,000 लूट कर भागने में ये आरोपी सफल रहे। वहीं इन्होंने 2 अक्टूबर को राजगांगपुर ब्लॉक अंतर्गत सागजोर स्थित ग्राहक सेवा केंद्र पर धावा बोलकर पिस्तौल की नोक पर 30,000 रुपए, मोबाइल और कागजात लूट कर भागने के क्रम में पुलिस ने इनका पीछा करते हुए उन पर फायरिंग की और एक लुटेरे को धर दबोचा, लेकिन तीनों जंगल की ओर भाग निकले। पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाकर उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। भागने के क्रम में रास्ते पर लुटेरों ने मोबाइल फेंक दिया। काबू किए गए लुटेरे के पास से एक पिस्तौल और 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया था। पुलिस के पंजे में फंसा लुटेरा हाथीबाड़ी रायबोगा अंचल का है। पुलिस कुतरा ब्लॉक अंतर्गत पुरकापाली स्थित SBI ग्राहक सेवा केंद्र में हुई लूटपाट की घटना में शामिल होने का अंदाजा लगा रही थी। जंगल की ओर भागकर निकले लुटेरों को पकड़ने के लिए सुंदरगढ़ जिला SP के निर्देश पर स्पेशल स्क्वाड सर्च ऑपरेशन कर सरगर्मी से इनकी तलाश की जा रही थी और सोमवार को एक पेशेवर मोटरसाइकिल चोर, जो इन लुटेरों को लूटपाट की घटना में चोरी की मोटरसाइकिल सप्लाई करता था और 2 लुटेरे लूटपाट की घटनाओं में शामिल थे, उन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की और एक फरार लुटेरे की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान राजगांगपुर SDPO अभिषेक पानीग्रही, थाना प्रभारी मनोरंजन प्रधान और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। शहर और आसपास के इलाके में विगत कुछ दिनों से लूटपाट की घटनाओं में इजाफा हो रहा है और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस की कार्रवाई को सभी सराहनीय कदम बता रहे हैं। किसी दिन हला सुंदरगढ़ एरिया रे किसी क्रिमिनल्स, जो माने हार्डकोर क्रिमिनल्स, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, से माने गोटे तांकर गैंग बने कि से माने डीमअप हो कि किसी दिन हला एरिया रे तांकर लगातार से माने लूटपाट कर चलते। दे वर ऑन स्प्री ऑफ रॉबरी। तो तांकर जो फर्स्ट से माने स्टार्ट करथिले 15 अक्टूबर राजगांगपुर एरिया IT कॉलोनी पाखे जो हनुमान मंदिर अच्छे से आखापाखि से पाखे से माने फर्स्ट रॉबरीटा से करते गन पॉइंट रे और 1.5 लाख टंका लुटे नहीं थे। तार एक्जाक्ट नेक्स्ट डे 16 अक्टूबर से माने कुतरा थाना अंडर रे थिबा अमर धांगरी धुका गाँ पाखे से माने रॉबरी करथिले। जेतेबेले से जो विक्टिमटा भीममिन से टिके रेजिस्टेंस करथिला ता उपरे फायरिंग मध्ये करथिले, जोंतरे तार 2 गोडरे इंजुरी मध्ये अछि और से ताठारु से माने 10,000 टंका और तार कैमरा लुटि नै थिले। प्लस तापरे तार 18 अक्टोबर, 2 दिन पर 18 अक्टोबर रे अमर जो केवलांग थाना अछि राउरकेला पुलिस डिस्ट्रिक्ट अंडर रे से एरिया रे भी से माने बड़ धरणर गोटे रॉबरी अटेम्प्ट करथिले। तापरे 1 नवंबर रे से माने कुतरा एरिया रे थिबा पुरकापाली जन अमर जो ग्राहक सेवा केन्द्र सेठारे मध्य से माने गन पॉइंट रे पाखापाखि 2 लाख टंका लुटि नहीं थे। प्लस ता एक्जाक्ट नेक्स्ट डे 2 नवंबर रे अमर राजगांगपुर अंडर सागजोर ग्राहक सेवा केन्द्र सेठारे मध्य से माने गन पॉइंट रे 30,000 टंका लुटि नेले। तो आमर ए भितरे आमर गोटे स्पेशल स्क्वाड गठन कराइला SP सर्क डायरेक्शन रे, तो से माने तांको पछरे लागिथिले। आमर सेही दिन 2 नवंबर रे आमे तांको इंटरसेप्ट करथिलु, तांको रेड करथिलु, सेतरे आमे जणक धरि पाइथिलु एवं गोटे ताठारु कंट्रीमेंट पिस्तल सीज करथिलु। से ताठारु 9,200 टंका मध्य कैश मिलथिला, गोटे मोबाइल सीज हेइथिला, आउ 2टा बाइक आमे सेदिन सीज करथिलु, 2टा TVS Apache बाइक
ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଆହୁରି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ସେଇ ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମେମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ରବରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଥିଲା ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ପ୍ରଫେସନାଲ ବାଇକ୍ ଚୋର। ସେ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରିକି ଏହିସବୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ସପ୍ଲାଏ କରେ ବାଇକ୍। ତ ତିନି ଜଣ ଆଉ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରିମେଣ୍ଟ ପିସ୍ତଲ ଆମେ ଆହୁରି ସିଜ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ 39,500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରୁଛୁ, ତିନିଟା ମୋବାଇଲ, ଆଉ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ରେଡ୍ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ସିଜ୍ ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଲିଙ୍କ କେଉଁଠି ଅଛି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଏମାନେ ଅଲଗା କେଉଁଠି ମାନେ ଇଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥାଇପାରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ। ଏବେ ଯାଏ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏଇ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେ ପ୍ରଫେସନାଲ ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ ସେମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବନେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ୍ସକୁ ଆଜି ଧରିଛୁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ଧରିବୁ। ସେମାନେ ବି ରବରି କରିଥିଲେ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ନା? ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଆଗରୁ କେସ୍ ରହିଛି, ବହୁତ ସାରା କେସ୍ରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ୍ସ, କିଛି ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବନେଇ ସେମାନେ ଲଗାତାର ଲୁଟ୍ପାଟ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଦେଓର ମାନେ ସ୍ପ୍ରୀ ଅଫ୍ ରବରି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା 15 ଅକ୍ଟୋବର ଜାଗରପୁର ଏରିଆରେ, ଯେଉଁ ଆଇଟି କଲୋନୀ ପାଖରେ, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ରବରିଟା ସେଇଠି କରିଥିଲେ। ସେଇଠି ସେମାନେ 1.5 ଲାକ୍ସ 1.9 ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଡେ 16 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସେଇ ରାତିରେ କୁଦ୍ରା ଏରିଆରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭୀମ ମିନ୍ସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୁଳି ମାରି ତାଠୁ ତା'ର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଥିଲା। ଫାୟାରିଂ କରି ତାଠୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେମାନେ 18 ଅକ୍ଟୋବରରେ କେବଲାଙ୍ଗ ଏରିଆରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ରବରି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେମାନେ 1 ନଭେମ୍ବରରେ କୁତ୍ରାର ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି କୁର୍କାପାଲି ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସେଠାରେ ସେମାନେ ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ରବରି କରି ସେଇଠୁ ଏରାଉଣ୍ଡ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ଲସ୍ ତା'ର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଡେ 2 ନଭେମ୍ବରରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ସେମ୍ ଗ୍ରାହକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସାଜୋରେ ଥିବା ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସେମାନେ ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଆମର ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାହୋଇଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର 2 ନଭେମ୍ବରରେ ହିଁ ଆମର ରେଡ୍ ହୋଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଣେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ପିସ୍ତଲ ବି ସେଇଠୁ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେହିଦିନ ଆମେ ତା'ଠାରୁ 9,200 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ, ଆଉ 2ଟା ଆପାଚି ବାଇକ୍, ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ ବାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଆପାଚି ବାଇକ୍ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଥିଲୁ। ତା'ପରେ ଆମେ ଫର୍ଦର ଆମର ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା, ରେଡ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ସେଥିରୁ 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ 2ଟା ଆହୁରି କଣ୍ଟ୍ରିମେଣ୍ଟ ପିସ୍ତଲ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ, ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ 39,500 ଆମକୁ ମିଳିଛି, 3ଟା ମୋବାଇଲ୍ ସିଜ୍ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳେ ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସେଥିରୁ ଜଣେ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ବାଇକ୍ ଚୋର, ଆଉ 2ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମେମ୍ବର ଯେଉଁ ରବରି କରନ୍ତି। ସେ ବାଇକ୍ ଚୋର ସେ ଖାଲି କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର ରବରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଏମ୍ଓ ହେଉଛି କି ସବୁ ଏରିଆରୁ ସେ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରିବ, ଆଉ ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ରବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ସପ୍ଲାଏ କରିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.